शरीर में आमतौर पर चावलों को पानी में उबालकर पकाया जाता है क्योंकि ये चावल को नरम बनाता है। आमतौर पर चावल का पानी फेंक दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि चावल का ये पानी जिसको फजूल समझकर फेंक दिया जाता है दरअसल गिजाई अज्जा और निशास्ता से भरपूर होता है जिसे कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तारीख का मुतालिया करें तो पता चलता है कि चावल के पानी को कई कदीम तहजीबों में सेहत को बेहतर बनाने, बेऐब जिल्द के हसूल और चमकदार बालों के हसूल के लिए जादुई दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चावल के पानी में छुपे हैरत अंगेज़ फ़वाइद की, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माहरीन के मुताबिक हाजमा की बीमारियों मसलन फूड पॉइजनिंग, इसहाल और बदहजमी को दूर करने के लिए चावल का पानी काफ़ी सूदमंद साबित होता है। चावल के पानी में विटामिन्स और मादनियात के साथ हमारी आंतों की सेहत के लिए ज़रूरी प्रीबायोटिक्स की भी कसरत होती है जो जिस्म को गजाइत फराहम करने के साथ मादे की सेहत और हाजमे को भी बेहतर बना सकता है। नाज़रीन, चावल का पानी मादनियात और सेहत बख्श कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, इसलिए रोज़ाना सुबह चावल के पानी का एक गिलास नमक और काली मिर्च मिला के पी लें तो ये आपके जिस्म को दिन भर मुतहरिक रहने के लिए काफ़ी तवानाई फराहम करता है। मादनियात की मौजूदगी जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मुतवाजन रखने में मदद देती है, ख़ास तौर पर गर्मियों और मरतूब मौसम में ये बहुत काम आता है। ये ज़ायशुदा गज़ाई अज़ा फराहम करके जिस्म को काफ़ी हाइड्रेशन फराहम करता है। चावल का पानी पीने से खून का दौरानिया दुरुस्त रहता है, इससे लो ब्लड प्रेशर का मसला दूर हो जाता है। ये एक ऐसी जादुई दवाई के तौर पे काम करेगा जो आपके बालों के तमाम मसाइल को ठीक करने का सबसे आसान और सस्ता इलाज होगा। चावल के पानी से अपने बालों की मालिश करें और चंद मिनट तक इसे बालों पे लगाए रखें। इससे बालों की खोई हुई चमक चंद दिनों में ही बहाल करने में मदद मिलेगी। आप चावल के पानी और हाइबिस्किस के फूलों से हेयर टॉनिक बना सकते हैं। चावल के पानी में इस फूल को एक दिन के लिए डुबो के रखें और फिर अपने बालों पर स्प्रे करें और इसे धोकर जादू का मुशाहिदा करें। कील मुहासों पर चावल का पानी लगाने से कुदरती तौर पर इन नाखुशगवार निशानात को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसे टोनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल के पानी में रुई को भिगोकर इसे मुतासिरा जगहों पर इस्तेमाल करें और फिंसी और कील मुहासों से आसानी से निजात पाए। बस एक बोतल में चावल का पानी, गुलाब का पानी और ग्लाइसरीन भरें, उसे अच्छी तरह मिक्स करें और उसमें नारंगी एसेंशियल ऑयल के चंद कतरे भी मिला दें और साफ जिल्द के लिए इस्तेमाल करें। सदियों से चावल का पानी काटन के कपड़ों को एक उम्दापन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। बस धोए हुए कपड़े को चावल के पानी में डुबोकर धूप में खुश्क होने दें, यह आपके तमाम सूती मलबूसात के लिए सबसे आसान हल है। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।